आज 18 अप्रैल 2020 है। सबसे पहले शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़ने से करें। आज के वीडियो में हम यूएई और दुबई के बारे में बात करेंगे कि आज क्या चल रहा है, इस पर नवीनतम अपडेट क्या है। आज हम यूएई की हेडलाइन के बारे में बात करेंगे। एक, कोरोना वायरस का संयोजन भारत के लिए विशेष रूप से अनुमोदित प्रत्यावर्तन उड़ाने। यूएई में भारतीय अधिकारी और मिशन इन उड़ानों को शुरू किए जाने के समय गैर कम्यूटेड रहे। यूएई में फंसे भारतीयों को कोरोना वायरस संकट के दौरान अपने गृह देश में वापस लाने की आशा की एक झलक है, क्योंकि भारतीय नागरिक विमानन नियामक विशेष रूप से अनुमोदित उड़ानों पर विचार कर रहा है। यूएई में भारतीय अधिकारी और मिशन इन उड़ानों को शुरू किए जाने के समय गैर कमनीय बने हुए हैं, लेकिन नागरिक उड्डयन महानिदेशक DGCA परिपत्र यह संकेत है कि यूएई और खाड़ी से भारतीयों को लेकर आपातकालीन उड़ानों को लॉकडाउन से पहले अनुमति दी जा सकती है। देश में उठा है, भारत ने 3 मई तक लॉकडाउन का विस्तार किया है और यूएई में फंसे हुए या उन निवासियों को जो वित्तीय चिंताओं के कारण घर जाना चाहते हैं, इन उड़ानों के शुरू होने पर राहत की सांस लेंगे। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये उड़ानें कब चलेंगी। उप महानिदेशक सुनील कुमार द्वारा जारी DGCA के परिपत्र में कहा गया है, यह निर्णय लिया गया है कि 3 मई 2020 के 18.30 GMT तक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बंद रहेंगे। हालांकि यह प्रतिबंध DGCA द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय ऑल एयर कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। इसके अलावा भारतीय मीडिया में आई खबरों के अनुसार केंद्र सरकार ने भारतीय राज्य सरकारों को उन सभी लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया है जो उम्मीद से पहले वापसी चाहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं और बच्चे, अन्य बीमारियों से पीड़ित और बुजुर्गों को पहली वरीयता दी जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि राज्य आज भी या कल केंद्र सरकार द्वारा निकासी की घोषणा करने पर भी प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। अधिकारी ने कहा, हम अपने लोगों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास संगरोध केंद्र और चिकित्सा दल हैं। दक्षिण भारतीय राज्य ने पहले ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में अनिवासी भारतीयों की वापसी के लिए कम से कम 250,000 संगरोध कमरे की पहचान की है। यूएई से हालांकि मिशनों ने आधिकारिक तौर पर NRI से आवेदन स्वीकार करना शुरू नहीं किया है जो भारत लौटने की इच्छा रखते हैं। भारत के महावाणिज्य दूत दुबई विपुल ने एक पूर्व साक्षात्कार में खलीज टाइम्स को बताया कि उन्हें लगभग 1,000 कॉल प्राप्त हुए हैं और ईमेल से निकासी का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा एक यूएई आधारित कंपनी ने भी विपुल से कहा कि 1,000 श्रमिकों को वापस करने के लिए कहा है। सामाजिक समूह और संघ जैसे कि केरल मुस्लिम सांस्कृतिक केंद्र लगभग 1,000 लोगों की रिपोर्ट कर रहे हैं जो साथ ही लौटने की इच्छा कर रहे हैं। अधिकांश अनुरोध नौकरी चाहने वालों से आ रहे हैं, वीजा धारकों का दौरा करते हैं जो नौकरी के नुकसान का सामना कर चुके हैं, और परिवार। इस महीने की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात ने अपने घर के देशों में वापसी करने में सक्षम होने के लिए शुरुआती छुट्टी की पहल शुरू की, लेकिन उड़ान प्रतिबंधों ने यात्रा में बाधा उत्पन्न की। कई ब्लू कॉलर श्रमिकों ने अपनी नौकरी खो दी है और उनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है और वे इस संकट के दौरान अपने परिवार के साथ वापस घर जाना चाहते हैं। अन्य फंसे हुए यात्री हैं। यूएई में 3 मिलियन के करीब भारतीय विस्तार हैं। यहाँ भारतीय मिशनों ने उन लोगों के पंजीकरण जैसी प्रत्यावर्तन प्रक्रिया शुरू नहीं की है जो छोड़ना चाहते हैं। 3. यूएई से कोरोना वायरस समाचार बुलेटिन। 460 नए मामलों की पुष्टि, लचीली वीजा योजनाएं, श्रमिकों के लिए निःशुल्क परीक्षण, 3 दिनों में केवल 1 बार आंदोलन की अनुमति। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने गुरुवार को 61 रिकवरी के साथ COVID-19 कोरोना वायरस के 460 नए मामलों की घोषणा की। नए मामलों का पता लगाने के लिए 25,000 से अधिक परीक्षण किए गए। देश में कुल मामलों की संख्या 1,095 कुल वसूली के साथ 5,825 है। मोहब ने जटिलताओं के कारण 2 एशियाई नागरिकों की मृत्यु की भी सूचना दी। 16 अप्रैल तक मरने वालों की संख्या 35 हो गई। नौकरी के नुकसान से निपटने के लिए लचीली वीजा योजनाएं।
दुबई में प्रवासी निवासियों को अपने वीजा की स्थिति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है अगर उन्हें कोरोनावायरस संकट के दौरान बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है। जबकि अबू धाबी ने कहा कि कोविड-19 के लिए नीले कॉलर श्रमिकों का निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। दुबई यह सुनिश्चित कर रहा है कि नौकरी छोड़ने वाले एक्सपेट्स के निवासी वीजा एक नए नियोक्ता को हस्तांतरित हो जाएं या वे एक नई कंपनी में उसी प्रायोजक के तहत काम करना जारी रख सकें। लचीला वीजा विस्तार योजना उन लोगों की मदद करेगी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं और अपने देश में नहीं लौट सकते। 1 मार्च के बाद जिन एक्सपेट्स के निवास स्थान की अवधि समाप्त हो गई है वे वर्ष के अंत तक देश में रह सकते हैं। वे बिना कोई जुर्माना चुकाए साल के अंत तक रह सकते हैं। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात में कानूनी रूप से रहने की अनुमति दी जाएगी। रेजिडेंसी और विदेश मामलों के महानिदेशालय के महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अहमद अल मेरेज ने उन व्यक्तियों के लिए सुविधाओं के संबंध में कुछ दबाव वाले सवालों के जवाब दिए जिन्हें नौकरी का नुकसान हुआ है। यूएई इस महामारी को रोकने में सक्षम है। हम दूर से काम कर रहे हैं और मैं एहतियाती उपायों का पालन करने और घर पर रहने के लिए यूएई के नागरिकों और निवासियों को श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें।